जय भवानी, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय परशुराम, जय शनिदेव, भारत माता की जय, जय राजपूताना, जय हिंदुत्व। सभी साथी जुड़ जाइए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है बुंदेलखंड की धरती के औरैया जिले से, जहां पे एक बहुत बड़ा मामला हो गया, जहां पे हमने धर्मरक्षक सेना की टीम को भेज दिया है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि पूरा मामला क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो पर जुड़ते जाइए, वीडियो को शेयर करते जाइए, और ज्यादा से ज्यादा आप सभी वीडियो पर जुड़ जाइए, फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तो जितने साथी जुड़ रहे हैं, एक तरफ से शेयर करते जाइए, क्योंकि जब मैं अपने विषय को आप सभी के बीच में अवगत कराऊं, उस समय तक मेरे सभी साथी समर्थक भाई और देश के ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों को जोड़िए। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को जो शेयर करते जाइए, जैसे आप सभी साथी जुड़ जाएंगे फिर मैं अपनी बात रखूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए और जुड़ते जाइए। जो साथी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि फेसबुक पर जितने भी ग्रुप चल रहे हैं, सभी ग्रुपों में इस लिंक को शेयर करिएगा। आईटी सेल की टीम से निवेदन है, शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो विषय है, मैं चाहता हूं कि ये विषय हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। विषय मैं आप सभी को बता देता हूं, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक मस्जिद का जबरदस्ती अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा था। वो मस्जिद जहां पे निर्माण कराया जा रहा था, वहां पे हमारे साथी, हमारे भाई पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, जो लगातार कई दिनों से उस मस्जिद के गतिविधियों पर चर्चा रख रहे थे, क्योंकि धर्म रक्षक सेना की टीम से वो जुड़े हुए हैं। उनका परम कर्तव्य बनता है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर कहीं गलत हो रहा है तो आगे आना और गलत के खिलाफ मुहिम छेड़ना हर हिंदू की जिम्मेदारी है, हर क्षत्रिय, हर राजपूत, हर ब्राह्मण, हर संवर्ण की जिम्मेदारी है। हिंदुत्व की अगर बात हम करें तो हर हिंदुओं के साथ आज की डेट में किस तरीके से जमीनी स्तर पर गलत हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये विषय ऐसा है कि औरैया जिले में एक मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था कुछ लोगों द्वारा, जो जबरदस्ती गलत जगह पे जो है अवैध तरीके से मस्जिद बना रहे थे। अतः वहां पे गलत क्या हो रहा है, मैं ये समझा देता हूं आपको। रात को 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में स्कॉर्पियो सफारी बड़ी गाड़ियों से कुछ लोग आते हैं वहां पे, उसके बाद मस्जिद के गेट को बंद कर दिया जाता है और अंदर ना जाने किस तरह की योजना बनाई जा रही है, किस तरह की हरकत की जा रही है, हथियार लाया जा रहा है या आतंकी गतिविधियों को उत्तर प्रदेश में अंजाम देने की साजिश की जा रही है। क्योंकि सलभ प्रताप सिंह और धर्म रक्षक सेना के नहीं होने दूंगा, तो हम लोग पूर्ण रूप से उसका विरोध करने के लिए वहां पे हमारी सेना की टीम के लोग पहुंचे। पुष्पेंद्र सिंह जी काफी समय से इस मामले को जो है आगे कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भैया, जब मैंने वहां के लोकल थाना में पुलिस कर्मियों को और थाना के दरोगा जी को, जो चौकी इंचार्ज थे, उनको अवगत कराया, तो कुछ मुस्लिम नेताओं की तानाशाही की वजह से जबरदस्ती हमारे ही भाइयों के ऊपर मुकदमे ठोक दिए गए, जिसमें एक नहीं 20 भाइयों के ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं औरैया में। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश है ये, और उत्तर प्रदेश के महाराज जी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में, माननीय महान जी की सरकार में, माननीय मेरे गुरु जी की सरकार में कतई ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि इस मामले को फिलहाल योगी जी तक नहीं पहुंचाया गया था, तभी लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि भैया मुख्यमंत्री जी तक ये बात रखी जाए। तो मैंने 5KD पे बात करके आदरणीय उनके PS बल्लू भैया से, बल्लू राय जी से, उनके सुरक्षा अधिकारियों से बात करके महाराज जी की जानकारी में ये बात दे दी है। उत्तर प्रदेश के DGP को जो सूचना नंबर था, जो मुकदमा नंबर था, जो मुकदमा संख्या था, वो भी दे दिया गया है और बता दिया गया है कि जब किसी मस्जिद के ऊपर रात को 2-3 बजे के करीब स्कॉर्पियो सफारी जैसी गाड़ियों में संदिग्ध लोग अंदर आके मस्जिद का दरवाजा बंद करके क्या करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि रात को 2-3 बजे के बीच में वहां क्या हो सकता है, इस चीज का अंदाजा आप सभी लगा लीजिए। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जितने भी साथी और भाई मुझे देख रहे हैं, वीडियो पर जुड़ रहे हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं, वीडियो को शेयर करते जाइए, इस विषय को, इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके की हरकत चल रही है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में या सऊदीया में ये सब चलेगा तो एक बार सोचा जा सकता है, मगर उत्तर प्रदेश जो योगी जी की धरती है, जो हिंदुओं की धरती है, जो भारत देश में सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पे एक छोटे जिले को शिकार बनाया जा रहा है, औरैया जैसे जिले को टारगेट किया जा रहा है, और वहां पे मस्जिद की आड़ में बहुत सारी आतंकी गतिविधियों को अंजाम भी दिया जा सकता है। इसलिए मैंने अपनी सेना की टीम को भेजा वहां पे, ताबड़तोड़ तरीके से हम लोगों ने जो है एंट्री की,
और जो एक्शन मुझे लगा कि किया जाना चाहिए हम लोगों ने किया, मगर उधर से जब उत्तर प्रदेश पुलिस में अखिलेश यादव के इशारे पे काम करने वाले कुछ यादव दरोगा हैं जो ऐसा करने पे हमारे ही लोगों पे मुकदमा लगा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह और अखिलेश की सरकार नहीं है। यादव जी अगर बहुत ज्यादा इच्छा हो तो बताइए, सैफई का टिकट कटवा देते हैं, आपको भी भेज देते हैं, जाके मैनपुरी में अपनी रियासत और सियासत करिएगा। नहीं तो उत्तर प्रदेश में अगर यादवशाही करोगे, अहिरपना करोगे, तो बता दूं वहां छत्रियों का बोलबाला है, तोड़ के रख दूंगा। और दरोगा जी मैं बताना चाहता हूं कि आप कोई सम्मानित पुरुष नहीं है कि आपकी मैं इज्जत करूं। आप जैसे घटिया आदमी की वहां पे मस्जिद के ऊपर अवैध तरीके से गलत तरीके किया जा रहा है, अगर हमारे धर्मरक्षक सेना के लोग आपको मुकदमा लिखवाने गए हैं तो आप उल्टा हमारे लड़कों पे मुकदमा ठोक रहे। तो मैं बताना चाहता हूं सलभ प्रताप सिंह से तो आपका अखिलेश भी नहीं कुछ कर पाया, अखिलेश यादव की भी औकात नहीं सलभ प्रताप सिंह का सामना करने की। पता कर लीजिएगा, जब हम करनी सेना उत्तर प्रदेश के प्रदेश संगठन मंत्री थे तो अखिलेश यादव और सुनील यादव साजन ने हमारे ऊपर मुकदमा किया था, हम उड़ीसा में थे और हमें गिरफ्तारी की बात की थी, 3 घंटे के अंदर गांड फाड़ के रख दी गई थी। मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि अगर समाजवादी में कोई ऐसी विचारधारा रखता है कि सलभ प्रताप सिंह के ऊपर उत्तर प्रदेश में कुछ उखाड़ लेगा, तो उसको बताना चाहता हूं बेटा अपना अखिलेश और अपना मुलायम खत्म हो गया वो समय, ये योगी जी का कार्यकाल है, ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की ही चलेगी। और अगर कोई दरोगा उनके इशारे पे काम करता है तो दरोगा मैं बताना चाहता हूं कि डिंपल भाभी की हाथ की जाके चाय पी लेना, कन्नौज का टिकट कटवा देंगे, मैनपुरी में जाके अपना डिंपल भाभी की हाथ की चाय पी लेना। लाइव पे कह रहा हूं, अपनी ऑफिशियल आईडी से कह रहा हूं, पूरी दुनिया के सामने कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी के इशारे पे हिंदू संगठन के लोगों को टारगेट किया जाएगा यादव दरोगा के द्वारा, तो मैं बताना चाहता हूं जिस समय औरैया की धरती पर पहुंचूंगा तो औरैया जिले में पैर रखने की जगह कम पड़ जाएगी, सलभ प्रताप सिंह के इतने समर्थक और साथी हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो बताना चाहता हूं कि हम लोग बाला साहब ठाकरे को मानते हैं, योगी जी को मानते हैं, उससे नीचे विचारधारा नहीं रखते हैं, और अच्छे अच्छों का इलाज कर दिया गया है। मैंने डीजीपी साहब को वो क्रमांक संख्या जो था, जो मुकदमा का संख्या था, वो नंबर भेज दिया है किस तरीके से हमारे भाई पुष्पेंद्र सिंह को परेशान किया जा रहा है। पुष्पेंद्र सिंह 15-20 दिन से बाहर थे, अपने परिवार की वजह से कल ही वो वापस पहुंचे और कल ही फिर पुलिस ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। मैं औरैया के डीएम और एसपी से भी बात करूंगा कि सलभ प्रताप सिंह नाम है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मरक्षक सेना के। डीएम साहब इस बात को समझ लीजिए, किसी भी हिंदू को अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दिक्कत हुई, जो अगर गलत चीजों का विरोध कर रहा है, उसके बाद भी उसके साथ कुछ भी हुआ, तो 4 लाख तो हमारे 1 महीने पहले थे, अभी तो शायद संख्या बढ़ गई होगी, और इतनी संख्या में पहुंचेंगे ना कि डीएम साहब आपके जिले का माहौल खराब हो जाएगा। और एसपी साहब आपसे भी कहना चाहते हैं, ऐसे दरोगा को अगर ड्यूटी पे रखोगे तो कॉलर आप ही का गंदा होगा, इसलिए कहना चाहते हैं कि निष्पक्ष भाव से जांच किया जाए इस मामले की, और हमारे भाइयों के ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगवाना बंद किया जाए। क्योंकि 4 ही 5 दिन पहले गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटर हटाए हमारे ऊपर से, फिर 2-4 लग जाएगा, 330 चल रहे, 332 हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भी ऐसा सोच रहा है मौलवी मौलाना, तो मैं बताना चाहता हूं बेटा तुम्हारे मदरसे के अंदर घुस के मारूंगा, इतना बुरा मारूंगा कि सारी कठुआपंथी तुम्हारे पिछवाड़े में घुस जाएगी। धर्मरक्षक सेना के सभी सैनिकों से कहना चाहता हूं कि कट्टर तरीके से विरोध करो, अगर लगता है कि मस्जिदों में कुछ गलत हो रहा है तो वहां पे जाके आक्रमण करो, वहां पे जाके एक्शन लो, हम देखेंगे और जो कुछ होगा सलभ भाई आपको संभाल लेंगे, मगर इस तरीके की हरकत नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मस्जिद के आड़ में अगर आप आतंकवादी घटनाओं की तैयारियां कर रहे हैं तो बता देना चाहते हैं सलभ प्रताप सिंह के कार्यकाल में ये सब होना मुश्किल है, नामुमकिन है। योगी जी के कार्यकाल में अगर धर्म रक्षक सेना के किसी भी लड़के को कोई बात हो जाएगी ना, तो उत्तर प्रदेश में आग लग जाएगी, टांडो मचा दूंगा, खुलेआम कहना चाहता हूं। कहना नहीं चाहता था इस बात को, मगर आज खुलेआम कह रहा हूं कि मौलाना मौलवी बेटा, अगर तुम लोग मदरसे और मस्जिदों के आड़ में ये कहने की करने की कोशिश करते हो ना, तो तुमको बता दूंगा कि ये मुमकिन नहीं है। धर्मरक्षक सेना हिंदुस्तान के 20 प्रदेशों में पहुंच चुका है और देश का सबसे तेजी से सबसे ताकतवर तरीके से बढ़ता हुआ संगठन है, कोई संगठन और सेना हमारे सामने नहीं है। एक फोन पे, एक बात पे तुरंत एक्शन होता है, विधायक तक तो माफी मांग लिए, तुम कौन से खेत की मूली हो। मैं बोलना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि पुरानी सरकार के लोग, मायावती या अखिलेश के साथ के जो लोग है ना, उनसे बताना चाहता हूं बेटा उत्तर प्रदेश है, वहां ठाकुरों का राज चल रहा है, पंडितों का राज चल रहा है, ब्राह्मणों का राज चल रहा है, हिंदुओं का राज चल रहा है, अहिरों की कोई औकात नहीं है।
मैं बताना चाहता हूँ और हरिजनों को भी बारे में बोलना चाहता हूँ, ज्यादा मनमर्म मत बनो, जितने हो उतने में रहो, नहीं तो समेट दूंगा, इतने राउंड गोलियां चलवाऊंगा ना कि समस्या खड़ी हो जाएगी तुम लोग के अंदर। और बेटा हम तो है वो है, डंके की चोट पे बंदूक की नोक पे सलभ प्रताप सिंह खुलेआम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, ओडिशा के अंदर, जिस भी प्रदेश में हमारी सेना चल रही है, वहां मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन मस्जिदों के अंदर, इन मदरसों के अंदर कुछ भी संदिग्ध दिखाई दे रहा है तो ताबड़तोड़ तरीके से वहां पे घुसो, कैमरा लेके घुसो, लाठी डंडा तलवार लेके घुसो। अगर सरकार या शासन प्रशासन साथ नहीं देगी तो मैं अपने 5 लाख सैनिकों के साथ में खुद ही सक्षम हूं हिंदुस्तान के अंदर। मैं बताना चाहता हूं देश की सरकार से कि आप लोग अगर इस तरीके से कोई युवा या कोई साथी एक्शन ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग उसके, और दरोगा जी की कुंडली लाइव पर दीजिए। दरोगा जी का नाम है यादव जी। यादव जी कुछ मुस्लिम नेताओं के इशारों पे हमारे 20 राजपूत भाइयों को, धर्म रक्षक सेना के 20 लोगों को जबरदस्ती मुकदमे में फंसा रहे हैं। उसके परिवार पे रात में पुलिस भेजी जा रही है। हमने उस परिवार से बात की है, हमने कहा है वकील से भी बात कराई है कि धर्म रक्षक सेना की तरफ से वकील आपका मुकदमा लड़ेगा और सारे मुकदमे का खर्च सलभ प्रताप सिंह उठाएगा, सलभ प्रताप सिंह के लोग उठाएंगे, आपको एक पैसे मुकदमे पे खर्च नहीं करना पड़ेगा। और जो जरूरत होगी, जिस तरीके से जरूरत होगी, मैं उस परिवार के साथ खड़ा हुआ हूँ, मैं पुष्पेंद्र सिंह और पुष्पेंद्र सिंह के सभी साथियों के साथ खड़ा हुआ हूँ, मैं औरैया के साथियों और भाइयों से कहना चाहता हूँ कि कल सुबह वहां कुलदीप सिंह सेंगर हमारे भाई है, उनकी पूरी टीम जा रही है मस्जिद पे, उस परिवार से मिलने भी जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ उन्हीं मुस्लिम के इशारों पे 3 साल पहले औरैया में काली माता के मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गई थी, तब कहां गए थे ये हिंदू संगठन, तब कहां गए थे ये हिंदू पार्टियां। मैं पूछना चाहता हूं, बतौर सलभ प्रताप सिंह की तो कोई एक्शन मुझे उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देता है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, हकीकत बयां कर रहा हूं। शायद मुझको देखा देखी 4-6 लोग और जाग जाएं, लोगों के साथ फोटो खिंचवा लेने से, भौकाल बना लेने से, माला पहन लेने से, राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्ष बनने से कुछ नहीं होगा। जमीनी स्तर पे हिंदुओं की रक्षा करने आगे आना होगा। देवी देवताओं के मंदिर में अगर मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है तो छत्री का परम कर्तव्य बनता है कि वो अपने धर्म की रक्षा करे। कौन हमसे पूछेगा, कौन बोलेगा? मैं देखता हूं कि आजकल तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने अध्यक्ष बने उनको 10-20 गाड़ी पे झंडा लेके भौकाल बनाना है, वीडियो बनवा देना है, माइक पे खड़े होकर माला पहन लेना है, माल्यार्पण करने से या 10-20 गाड़ी का फोटो रैली निकालने से देश का कोई कल्याण नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं, अगर देश के क्षत्रियों के ब्राह्मणों के हिंदुओं के लिए काम करना है तो जमीनी स्तर पे काम करो, अगर नहीं काम करना है तो मैं सभी संगठन के लोगों से कहना चाहता हूं, धर्म रक्षक सेना में आइए, ऐसे ऐसे आलतू फालतू संगठनों में अपनी ऊर्जा मत खराब करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, युवाओं को पता है कि एक ही संगठन हिंदुस्तान में जो बहन बेटियों के शादी के लिए आगे आता है, लोगों के लिए रक्तदान शिविर लगवाता है, एक ही संगठन है। जब ट्विंकल जैसी बहन का मामला हुआ तो उसके घर अलीगढ़ तक जाके लड़ाई लड़ाई गई थी, एक नहीं कई सारी बार कानून पारित कराने में। उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर आंदोलन को कोई तेज करने वाला व्यक्ति और सेना थी तो आपको पता है कौन लोग थे उसके पीछे। मैं पूछना चाहता हूँ, कश्मीर के लाल चौक पर सलभ प्रताप सिंह से पहले आज तक कोई गया है क्या? भगवा लहराने, भगवा जेब से झंडा निकाल के लहरा देने से नाम नहीं बनता। कश्मीर के अंदर लाल चौक पे भगवा लहरा के आया हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म रक्षक सेना का, और खुलेआम कहता हूँ ऐसा इतिहास बना के आया हूँ जो फिलहाल कभी ना हुआ था ना होगा। हमें भी पता है कि हमारा है, उसके बाद भी 8 घंटे श्रीनगर पुलिस कस्टडी में बैठे हुए थे, टर्मिनेट किए गए, उसके बाद उर्दू में हमारे ऊपर मुकदमे लगाए गए। फिर भी मैं अपने समाज की बात करना नहीं थकता हूँ, बार बार हारता हूँ, बार बार परेशान होता हूँ, फिर नई जोश और ऊर्जा से समाज की हर लड़ाई को लड़ता हूँ। लोग हमारे खिलाफ हमारा मनोबल गिराने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। क्या कभी सलभ प्रताप सिंह की स्पीड कम हुई? सलभ प्रताप सिंह के काम करने के तरीके कम हुए? आपने देखा कि जब जब बाढ़ आई थी बिहार में तो धर्म रक्षक सेना उज्जवल प्रताप सिंह उज्जवल श्रीवास्तव की ही सेना जाके लोगों की मदद की, आपने देखा नहीं? अभी जब मध्य प्रदेश में जो मुरैना के विधायक का मामला था तो वहां कौन सी सेना गई थी, किसके लोग गए थे? जमीनी स्तर पे काम करने वाला पहला संगठन था। जब गमछे जैसी चीज का विरोध किया गया, दिल्ली के रेस्टोरेंट में घुस के गमछा आज तक पहना जा रहा है, वहां के सारे वेटर पहनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब जब किसी गरीब का पैसा फंसा हिंदुस्तान में किसकी सेना जाती है, किसके लोग लड़ाई करते हैं? धन के ऊपर बात आए, ऐतिहासिक महापुरुषों के ऊपर बात आए, किसी भी बहन बेटियों की, शिफाली जैसी बहन के ऊपर मामला हुआ था, उसको न्याय दिलाने के लिए कौन सी सेना आगे आई थी?
तो आंख खोल के समझ लो एक ही संगठन और एक ही सेना है जो काम कर रही है। बाकी लोग तो हीरो हीरोइन के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ लोग माला पहन रहे हैं, कुछ लोग बढ़िया बढ़िया 10-20 गाड़ी में झंडा लगवा के हमारा ये है हमारा वो है। इससे भौकाल बनाने से नहीं होगा। भौकाल बनाने के सलभ प्रताप सिंह तो जब चाहे तब 1000 गाड़ी लेके यूपी में चल सकता है। उससे होगा क्या मेरे समाज का कुछ? उससे होगा क्या हमारे हिंदुओं का कुछ? युवाओं के साथ कुछ हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसलिए बेवकूफ बनाना बरगलाने का काम छोड़िए, समाज के लिए कुछ करिए, जमीनी स्तर पे करिए, सबसे कहना चाहता हूँ। और जो मेरे भाई है साथी है समर्थक है उनसे बताना चाहता हूँ कि औरैया की धरती पे हमारे कुछ साथियों ने विरोध किया, उनके ऊपर जबरदस्ती मुकदमे लगवाए जा रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह नाम है उनका, उनका नंबर अभी मैं अपनी आईडी से पोस्ट करूंगा। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा उनसे फोन पे बात करें, उनके साथ खड़े रहिए, क्योंकि कोई संघर्ष कर रहा है या साहस करके आगे आ रहा है तो उसके ऊपर दिक्कत आती है। तो आप सभी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी उस भाई का साथ दें। और आप सभी ने देखा कि एक नहीं 170 मामले हो गए 7 महीने में, जिसपे धर्मरक्षक सेना ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के जीत के दिखाया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि दूसरे पार्टी और संगठन और दूसरी सेनाओं में जाने का क्या मतलब है, जहां कुछ हो ही नहीं रहा है, वहां लोग फोटो खिंचा रहे हैं, वहां लोग माला पहन रहे हैं, भौकाल बना रहे हैं। भौकाल बनाने से युवा आगे नहीं जाएगा, भौकाल बनाने से हिंदुत्व की मजबूती नहीं होगी, भौकाल बनाने से गरीब बहन बेटियों के साथ न्याय नहीं होगा। जिस तरीके से धर्मरक्षक सेना लड़ाई लड़ती है जमीनी स्तर पे, जमीनी स्तर पे फेसबुक व्हाट्सएप वाले लोग नहीं है हम लोग। हमारे आपने देखा होगा किस तरीके से खिलाते हैं हम लोग गरीबों को, किस तरीके से कंबल वितरण किया गया, किस तरीके से जब जब बात आई तो रक्तदान शिविर लगवाए गए, किस तरीके से आपने देखा है गरीबों का पैसा जब नहीं मिलता है, कोई गाड़ी चढ़ा दिया तो थाने में घुस के उसके लिए न्याय किया गया। तो इसे कहते हैं जमीनी स्तर पर लड़ाई करना। लड़ना पड़ता है, भिड़ना पड़ता है, दुश्मन बनाने पड़ते हैं, डेली डेली धमकी आती है, डेली डेली लोग जान से मारने की बात करते हैं। कभी चंद्रशेखर रावल बोलता है, कभी सलाह अखिलेश यादव के लोग बोलते हैं, कभी सऊदी और दुबई से मुल्ले बोलते हैं। उसके बाद भी क्या सलभ प्रताप सिंह कभी पीछे हटा? दुश्मनों के लिए नाक में दम कर दिया, उसकी दुगनी ऊर्जा और शक्ति से पिछवाड़ा लाल कर दिया। आपने देखा क्या? हमारा परिवार भी हमसे कहता है कि रोज रोज धमकी आते हैं, रोज रोज मुकदमे आते हैं, रोज रोज आपके ऊपर केस हो रहे, कैसे बर्दाश्त करते हैं आप ये सब? हमने कहा आप तो आदत सी हो गई है, हमें अपना जीवन न्योछार कर दिया जिसके लिए। उन लोगों को समझना चाहिए कि फर्जी और बेवकूफों के चक्कर में अपनी ऊर्जा नहीं खराब करनी है, आगे आना है और धर्म की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा, बहन बेटियों का न्याय, देवी देवताओं के सम्मान के लिए, ऐतिहासिक महापुरुषों के सम्मान के लिए। अगर कोई सेना सच में हिंदुस्तान में काम कर रही है तो दुनिया जानने लगी है, हर कोई जानता है हिंदुस्तान में एक ही सेना है जो कट्टर भी है, ताकतवर भी है और रंगबाज भी। जय भवानी, जय हिंद, जय श्री राम, जय राजपूताना। शेयर कीजिएगा मेरी आवाज को। ITCL की टीम, धर्मरक्षक सेना के सभी पदाधिकारी, सभी सैनिक और मेरे सभी समर्थक और साथी, एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सभी साथ दीजिए अपने इस भाई का। यह अकेला चिराग कई आंधियों पे भारी है। और बता देना चाहता हूं, जो जो आंख उठाएगा हमारे समाज या हमारे हिंदुत्व के खिलाफ, हमारे राजपूताने के खिलाफ, कसम भगवान की, कसम माँ भवानी की, विकलांग कोटे में भेज देंगे हम उसको। जो होगा देख लेंगे, जिसके पिछवाड़े में जितनी दम हो लगा लो ताकत। जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उससे दुगनी चौगनी स्पीड में आगे बढ़ेंगे और हिंदुस्तान के अंदर इसी तरीके से देशवासियों की हर आवाज, युवाओं की हर उम्मीद पे खरा उतरेगा ये सलभ प्रताप सिंह। जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते हमेशा की तरह एक ही बात, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे आपके जैसा। तो साथियों, एक नया इतिहास लिखने की तैयारी आ गई है। संगठन के विस्तार पे ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़िए, देश के अंदर सलभ प्रताप सिंह को मजबूत करिए, क्योंकि आप लोग मेरा साथ देंगे या मजबूत करेंगे तो मैंने हमेशा बताओ करके दिखाया, 170 मामले पे जीत के दिखाया है कि अकेला चिराग, और इससे पहले भी अच्छो अच्छो का इलाज करके दिखाया हूं। शुभ रात्रि साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा मेरी आवाज को, जो बाद में भी देखेगा उससे एक ही निवेदन है, इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए कि धर्मरक्षक सेना की इस मुहिम के बारे में हिंदुस्तान के हर क्षत्रिय, हर ब्राह्मण, हर हिंदू को पता चले।